पश्चिम बंगाल की सियासत रोजाना नए रंग बदल रही है। आलम यह है कि अब सियासत के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी टीएमसी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वोटिंग से पहले बंगाल में सियासी सर्जिकल स्ट्राइक। सियासी मैदान में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। ईडी, एनआईए और सीबीआई बंगाल का सियासी पारा हाई। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में सियासी तल्खी भी बढ़ती जा रही है। खास तौर से इस बार पश्चिम बंगाल में सियासी पारा पूरे चरम पर है। चाहे बीजेपी हो या टीएमसी, दोनों ही एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप पर इस बार बीजेपी ने बंगाल में सियासी सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी दी है। खून दरकार है चोरे दर बाड़ी ईडी सीबीआई जावे नहीं जावे जरा राष्ट्रद्रोही जरा देशे बम बंदूक नहीं है कारखाना करछे बम फटाच्छे मानुष के मारछे विदेशे संगे हाथ मिलिएछे तादेरके माटी तोला थेके बार करबे ए आमादेर केंद्र सरकार केउ बाँचबे ना। जदि पुलवामा होते पारे बालाकोट होते पारे एखानेओ सेरकम तार चेये बड़ो सार्जिकल स्ट्राइक होते पारे मानें जादेरके उनि पुषेछेन बानिएछेन एइसब डाकातदेरके एक एकटा बार करे करे तादेरके। इस मामले में शुभेंदु अधिकारी का भी बयान सामने आया और उन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि चुनाव के 3 महीने बाद भी पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स तैनात रहेगी। यहाँ एमसीसी हटने के बाद भी 3 महीने तक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को रहना चाहिए टू प्रिवेंट द गुंडा पेट्रोनाइज बाय द टीएमसी एंड सेव द कॉमन पीपल एंड वोटर्स फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। बयानों का ये सिलसिला टीएमसी तक पहुंचा तो कुणाल घोष ने बीजेपी के दिलीप घोष के बयान पर कटाक्ष किया। दिलीप घोष जेटा सर्जिकल स्ट्राइक हबेन बोलेछेन सेटा जेभावे सुकांत बाबूरा सर्जिकल स्ट्राइक करे ओके मेदिनीपुर थेके उच्छेद करेछेन উনি সেটা বোঝাতে চেয়েছেন। বিজেপির মধ্যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ঘুমেও স্বপ্ন দেখছে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, বাক্স ব্যান্ডরা নিয়ে মেদিনীপুর ছাড়ছে। बंगाल के सियासी जंग में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी की कोशिश किसी भी तरह से बंगाल के किले में सेंध लगाने की है तो टीएमसी भी बीजेपी को हराने के लिए हर दांव पेच आजमा रही है। और सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने टीएमसी नेताओं ने प्रदर्शन किया। टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन धरने पर बैठे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें बस में भर करके ले गई। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था और साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को बदलने की मांग की थी। इलेक्शन कमीशन तो इम्पार्शियल काम नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है वही उठाए। डेरे कोबराए ना दोला से हमारा तो राज्यसभा एक पुलिस उसको खींच के ले गया, मैं इसको घोर निंदा करता या इनको टीएमसी के लोगों को यह संविधान की चिंता नहीं है, लोकतंत्र की चिंता नहीं है। सबसे अधिक लोकतंत्र का अपमान किया है तो यह टीएमसी के लोगों ने किया, संविधान का अपमान इन्होंने किया, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है। यह अगर देखे तो यह संविधान की चिंता नहीं है, संविधान यह शाहजहां की सुरक्षा का चिंता, शाहजहां को बचाने की चिंता है कि किस प्रकार से शाहजहां को बचाया जाए। यहाँ आकर के नौटंकी कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी जी का तो कभी भी संविधान पर भरोसा नहीं रहा है। कभी भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो स्थानीय निकाय के चुनाव तो होते हैं, कभी भी निष्पक्ष चुनाव उन्होंने नहीं कराया।
और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। महाविकास अघाड़ी की आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान हो सकता है। आज सुबह 11 बजे महाविकास अघाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और शिवसेना यूपीए अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये बड़ी जानकारी। शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। तो देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के ऐलान हो सकता है, ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है। महाविकास अघाड़ी की आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है।